क्या हुआ ये गठबंधन है। और ये गठबंधन उसी समय होता है जब व्यक्ति समझता है कि भाई हमारे अंदर दम नहीं है, हम नहीं जीत पाएंगे अकेले, दम नहीं है, जीत नहीं पाएंगे। जब जीत नहीं पाएंगे ये व्यक्ति के मन के अंदर आती है बात, तीसरों कहते हैं पराजित मानसिकता। ये पराजित मानसिकता से उत्पन्न हुआ गठबंधन, पराजित मानसिकता बताता हूं उसको भी, पराजित मानसिकता से पैदा हुआ गठबंधन कभी सफल नहीं हो सकता। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, हम तो जीतते जा रहे हैं, हम किसी से गठबंधन करें चाहे न करें जीत रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बांध रहे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ इसलिए रहे हैं कि हमने नारा प्रारंभ से लगाया है, आज से नहीं प्रारंभ से। वो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नारे के लिए हमने उच्च स्तर पर सबका इन्वॉल्वमेंट हो इसके लिए हम साथ में जुड़े हैं। हमारी सकारात्मक मानसिकता है, विकासात्मक मानसिकता है, सबको साथ में लेकर चलने वाली मानसिकता है। या पराजित मानसिकता से प्रेरित होकर हताशा कुंठा से उत्पन्न ये गठबंधन है, इसलिए कभी भी सफल नहीं हो सकता। मैं अनुभव कर रहा हूं कि जनता विकास चाहती थी, जनता कानून व्यवस्था चाहती थी, इन सरकारों ने नहीं दिया, इन सरकारों ने सेंटिमेंट उभार कर उनका शोषण किया, कभी संप्रदाय के नाम पर कभी जाति के नाम पर। जब हमारी सरकार ने विकास को प्राथमिकता देते हुए गरीब और मजहबी भेद को छोड़कर काम करना शुरू किया, लोग हमारे साथ जुड़े तो लोगों को परेशानी पैदा हो गई। और उसका प्रमाण है चाहे केंद्र सरकार में होगा लोकसभा के चुनाव में और चाहे प्रदेश के चुनाव में, प्रदेश के चुनाव में सारे जाति भेद वर्ग भेद को छोड़कर लोगों ने मतदान किया। और नहीं मतदान किया होता तो 325 सीटें कैसे आती, इतना आया। तो वो जो समीकरण है जिसको आप कह रहे हैं, वो चाहे अनुसूचित जात का होगा, चाहे पिछड़े वर्ग का होगा, चाहे बाकी का हो, जिसको लेकर बड़ा इतरा रहे हैं, वो तो ध्वस्त हो गया है। वो काफी मात्रा हमारे साथ जुड़ा है। और मुसलमानों में भी, मुसलमानों में जब तीन तलाक का मामला आया तो पहले तो लोगों को बड़ी परेशानी हुई, मुस्लिम महिलाओं को ही लगा पहली बार कि कोई ऐसा एक नेता या कोई ऐसी एक पार्टी आई है जिसने हमारी बात की है, उत्पीड़न की बात की है, उसके हमने कानून बनाया। उसमें भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो हमारे साथ जुड़ा है।